से जूझ रहे एक परिवार पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि चार अनाथ बच्चों को अब 70 साल की बूढ़ी दादी को पालना पड़ रहा है। बेसहारा परिवार अब भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भटक रहा है। होनी को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन कुदरत की मार से बचने के लिए इंसान को इंसान का साथ देना चाहिए, जिससे उसकी जिंदगी संभल सके। जीवाड़ा कस्बे की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे एक परिवार का दर्द सुनिए, आंखों से लहू रिस जाएगा। दरअसल इस परिवार के मुखिया ओबाराम दिवासी का करीब एक साल पहले हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार में कमाने और चार बच्चों को पालने का भार उनकी बेवा पत्नी पंखु देवी पर आ गया। पंखु देवी जैसे तैसे नरेगा की मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था और इस बेबस परिवार पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों पहले पंखु देवी की भी कृषि कार्य करते वक्त मौत हो गई। अब इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं बचा। पंखु देवी के चार छोटे छोटे अनाथ बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनकी देखरेख 70 साल की बूढ़ी उनकी दादी कर रही हैं। ये बेबस परिवार टूटी झोपड़ी में गुमनाम जिंदगी का सबसे कड़ा इम्तिहान दे रहा है। छोटा छोटा बच्चा है, ये बने रहिए। किसके पास रहते हैं ये? मेरे भाई के पास रहते हैं। गरीबों के नाम की सारी योजना के बुलंद दरवाजे अब इस परिवार के लिए शायद बंद हो चुके हैं। ये गरीब बेबस बेसहारा परिवार सरकारी योजनाओं के लिए दर दर भटक रहा है, जिम्मेदारों से गुहार लगा रहा है, लेकिन वादा करने वाले नेता इस गरीब परिवार का दर्द देखने से पहले ही आंखें बंद कर ले रहे हैं, जिससे इस गरीब परिवार को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। नरेगा लेबर पंकु देवी का देहांत 12/8/2019 को सुबह करंट लगने से घर पे हो गया था, जिसके पति की देहांत पहले से हो चुका है। वास्तविक स्थिति में परिवार बेहद गरीब है, जो मेरी जानकारी में है। तो परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भरसक ग्राम पंचायत प्रयास करेगी। पंकु देवी अबाराम नाम की महिला जो श्रमिक भी है नरेगा की और बीपीएल भी है, तो उसकी करंट लगने से कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से मृत्यु हो गई थी। जो वास्तविक में वो गरीब है, उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो पंचायत जितनी भी इनकी मदद करने जो लीगल है वो पंचायत मदद करेगी और उस अधिकारी भी इनकी सहायता। 12 महीने पहले इनके पिताजी अंबाराम का हार्ट अटैक आने से देहांत हो गया और कुदरत का करिश्मा देखो, अब 7-8 दिन पहले ही इनकी मदर का भी डेथ हो गई है, वो भी कोई लाइट का करंट आने से उसकी मृत्यु हो गई है। इन बच्चों के अब जीने का सारा दुर्भर हो गया है, अपनी दादी के भरोसे बैठे हैं। सिस्टम पर लिखी अफसरों की भ्रष्ट कहानी कहती है कि अफसर भी शक्ल देखकर मदद का हाथ बढ़ाते हैं, गरीब लाइनों में ही खड़े रह जाते हैं और बेपात्र लोग बीपीएल परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना, पालनहार योजना समेत कई सरकारी योजनाओं का लाभ लपक कर लेकर उड़ जाते हैं और गरीबी हाथ मलती रह जाती है। बबलू मीना,